मुस्कुराइए, अरे जनाब मुस्कुराइए आप, नवाबों के शहर तो शुरू होने वाला है सत्संग। सत्संग शुरू हो गया है। आप अपना कीमती समय निकाल के और स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आज सुन रहे हैं। साथ ही हम प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए आराधना। परिसर तो कोई लक्ष्य नहीं हो रहा है।
आज का स्टेज में किसी को पता नहीं चलेगा कि पर्सन यहाँ पे बहुत आगे तूफान आया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द वॉलंटियर्स जो रात में यहाँ पे थे। मुस्कुराइए, अरे जनाब मुस्कुराइए, आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। और वैसे भी खुल के हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक बार जोर से हंसे और अपने एक बार फिर से तालियां बजाएंगे। मैं हूँ आपकी सूत्रधार, आपकी दोस्त, मेरा नाम है शिफाली और हमारे सभी हर्षित दर्शक। तो आप सभी से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, जब पहली कथा विजय श्री रामचंद्र जी किताब के हमें अंश पढ़ने सुनाएंगे, प्लीज 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 कृपया अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जब प्रेम रावत जी यहाँ हमारे बीच होंगे और पहले 15 मिनट वो हमें किताब के कुछ अंश पढ़कर सुनाएंगे आप सभी के लिए, कृपया अपने स्थान से हिले नहीं। तो जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, तो ये समय है उस विशेष हस्ती से रूबरू होने का जो विश्व में शांति रूप, शिक्षक, मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं और स्वयं की आवाज किताब के लेखक भी हैं। समय है श्री प्रेम रावत जी से मिलने का और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो स्वयं की आवाज किताब के कुछ अंश हमें पढ़कर सुनाएं। तो आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं श्री प्रेम रावत जी का। वो दिख रहे हैं खड़े हो गए, आज खड़े हो गए, उनको मौका मिला है दिख रहे हैं। 10 दिसंबर को मैं 65 साल का हो गया, और तब से और अब तक 65 साल से अब आपके पास पानी नजर है तो आप मीटरों पर मौसम का असर भी देख सकते हैं, परछाई के का चिन्ह भी देख सकते हैं और वो कई रंग भी आप देख पाएंगे जो सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी या गली की रोशनी से उभरते हैं और उस दीवार पर दूसरी सतहों की भी रोशनी कुछ झलक दिखाई देती है। हर एक झलक जो उस दीवार पर पड़ती है उस रोशनी में छाया जोड़ती है। हम दीवार को देखते हैं पर वो रोशनी नहीं देखते हैं क्योंकि रोशनी हर प्रकृति रोशनी हमारे ओर से संसार को रोशन करने के लिए नहीं है, ये रोशनी तो सिर्फ एक अदाकारा, एक्ट्रेस, वेलनेस हेल्थ कोच भाग्यश्री दसानी जी का। और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेम रावत जी के साथ बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। लखनऊ वासियों, आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पर हम सिर्फ स्वयं की आवाज नहीं प्रेम रावत जी की स्वयं की आवाज सुनने को आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि तो फ्रेंड्स 9:30 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं घर और बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के, समझ में आया थोड़ा बहुत तो नहीं समझ में आया, तो मासी को पूरा समझ में आया। तो मासी आप क्या सुन के क्या समझ के आए बताओ। मैं
क्या बताएं हम, आप क्या समझ के आए हो? थोड़ा सा स्वयं के बारे में बताया उन्होंने कि अपने आप को जानना है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या है हमारे अंदर, कौन क्या चीज़ है। वो भगवान है सबके अंदर, वही प्रभु सबके अंदर वही है, सबको रास्ता वही दिखाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर झांके और देखें कि हम क्या हैं। तो फिलहाल स्वयं की आवाज़ एक बुक है वो लॉन्च किया उन्होंने, और इस बुक का जो मतलब उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया, तो वहाँ पे उनको अवार्ड मिला गिनीज बुक ऑफ अवार्ड का। तो और कौन सी हीरोइन आई थी मासी? भाग्यश्री, मैं खुद ही नाम भूल गई। भाग्यश्री आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका पूरा अच्छी तरीके से। मैं नहीं सुना पाई आप लोगों को क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था और मैं कितनी देर कैमरा पकड़ती। तो फिलहाल अच्छा लगा बहुत कुछ, और अब हम लोग घर आ गए हैं। तो अब ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब हम मासी आई हुई हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है मासी को घुमाना। तो अब कहाँ घुमाते हैं इनको मैं वो बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, नमस्कार।